नमस्कार, ये जीवन एक में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान, आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों पर। ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूवीएन 01 के, देखते रहिए यूवीएन 08। शाजापुर से मुकेश अहिरवार की रिपोर्ट। विधायक कुणाल चौधरी ने बाढ़ प्रभावित गांव डोडी पहुंचकर राहत सामग्री गेहूं वितरण करवाए। 6,88,000 रुपए की लागत से निर्मित होने वाले शमशान घाट का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा, गांव का सर्वांगीण विकास और आपदा के समय में उनका सहयोग करना ही सबसे बड़ी सेवा है। मेरा लगातार प्रयास है पिछड़े हुए गांव का मैं विकास कर सकूं, इन गांवों को डिजिटल बना सकूं, इसके लिए मेरा पूरा जीवन समर्पित रहेगा। देखते रहिए यूवीएन 08। लगभग सबको मुआवजा नहीं दे पाया था, कोशिश करी थी कि सबको राशन भी बढ़ पाया था, फिर जो सोयाबीन खराब हुई थी उसका मुआवजा 25% मिला था, 75 और मिला था, पर किसी कारणवश हम सरकार से निकल गए तो मुआवजा नहीं मिल पाया। पर उसका हमने सर्वे जितना अच्छा करवाया था पिछली बार, उसका नतीजा है कि लगभग 200 करोड़ रुपए काला पीपल में जो ये बीमे की राशि आएगी पिछली बार की 2019 की, तो उसका 200 करोड़ रुपया करीब आपका। पिछली बार में सब किसान की स्थिति ठीक थी, क्योंकि सोयाबीन भी लगभग 3-4 रुपये क्विंटल बीघा की हो ही गई थी, 25% का मुआवजा भी मिल गया था, उसका बीमा भी मिल जाएगा, तो पिछली बार की कंपनी सज गई थी। पर इस बार के लिए हमें थोड़ा लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस बार मैंने बात करी मुख्यमंत्री जी को, पत्र भी लिखा, मैंने आग्रह भी करा कि पूरे प्रदेश में, क्योंकि दो तीन चीजें होगी, हमारे यहाँ पे भी बाढ़ आई। बीजेपी कांग्रेस तब तक थी कि जब तक मैं विधायक नहीं था, आज विधायक बनने के बाद में हर एक व्यक्ति मेरे परिवार का व्यक्ति है, कभी बीजेपी कांग्रेस की बात मत करना। सिर्फ एक ही बात हम लोगों को करना है कि इस क्षेत्र का विकास कैसे हो, इस पिछड़ी हुई विधानसभा को हम शिखर तक कैसे पहुंचाए, इस पिछड़ी हुई विधानसभा को हम मध्य प्रदेश में नंबर वन कैसे बनाए, इसी के लिए सदैव प्रयासरत रहते हैं। दिन भर 24 घंटे विधानसभा में लगातार उनकी सक्रियता बनी रहती है। और आदरणीय विधायक जी से एक बात और मैं कहूंगा, उसके लिए भी धन्यवाद दूंगा कि आज उनके प्रयास से, हमारे ग्राम पंचायत के प्रयास से, जो शमशान घाट इतने दिनों से हम आदिवासी की जिंदगी जी रहे थे, एक रोड बना था उसके सिवा इस गांव में कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन आपके प्रयास से, माननीय हमारे सरपंच साहब के प्रयास से 6,88,000 हमारे रोड शमशान घाट के लिए सुविधा हुई है।